नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदिरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद्भागवतम के छठे स्कंद के अध्याय दूसरे के श्लोक संख्या 32 अथापि मे दुर्भगस्य अथापि मे दुर्भगस्य विबुधो विबुधा उत्तम दर्शने विबुधा उत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन भवितव्यं मंगलेन येन आत्मा मे प्रसीदति येन आत्मा मे प्रसीदति। अथापि मे दुर्भगस्य विबुधा उत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन येन आत्मा मे प्रसीदति। अथापि मे दुर्भगस्य विबुधा उत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन येन आत्मा मे प्रसीदति। दुर्भगस्य विबुद्ध उत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन अथापि मे दुर्भगस्य विबुद्ध उत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन अनात्मा में प्रसीद। माता जी विबुद्ध उत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन
आत्मा में प्रति रहे। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अथ इसलिए, अपि यद्यपि, में मुझ दुर्भगस्य, इतने अभागे का, विबुध उत्तमा, उच्च भक्तों का, दर्शने, दर्शन करने से, भवितव्यम होगा, मंगलेना, शुभ कार्य, येना, जिससे, आत्मा, आत्मा, में, मेरी, प्रसीदति, वास्तव में सुखी होती है। अनुवाद, निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन चार महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। मेरे पीछे दूर आइए। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन चार महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। दुर्भगस्य सौभगस्य, दुर्भगस्य से सौभाग्य बन गया। तात्पर्य, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्रे कोय, लौ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सभी शास्त्र भक्तों की संगति की संस्तुति करते हैं, क्योंकि एक क्षण की भी ऐसी संगति से सभी सिद्धियों के बीज प्राप्त हो सकते हैं। केवल बीज प्राप्त होंगे, वो अब निर्भर करता है आप उस बीज का सिंचन करते हैं या नहीं। जब उस बीज से वृक्ष हो सकता है और वृक्ष में कई फल लग सकते हैं और उस फल में फिर कई वृक्ष, कई बीज उत्पन्न हो सकते हैं। कभी कभी फल खट्टा होता है, कभी कभी फल असमय पक जाता है, उसमें उतना स्वाद नहीं होता, लेकिन बीज प्राप्त हो सकता है केवल एक क्षण के साधु संघ से। अजामिल अपने जीवन के प्रारंभ में निश्चित रूप से शुद्ध था। वह भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति करता था। यानी उसे भक्तों एवं ब्राह्मणों की संगति अच्छी लगती थी। अपने उसी पुण्य कर्म के फलस्वरूप पतित होते हुए भी उसे अपने पुत्र का नाम नारायण रखने की प्रेरणा मिली थी। निश्चय ही यह उस नेक सलाह के कारण था जो उसे अपने भीतर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दी गई थी। जैसा कि भगवद गीता 15:15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनंच, मैं हर व्यक्ति के हृदय के भीतर स्थित हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान इतने दयालु हैं कि यदि किसी ने कभी उनकी सेवा की हो तो वे उसे भुलाते नहीं। इस तरह भगवान ने अजामिल को भीतर से अवसर प्रदान किया कि वह अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे, जिससे स्नेहवश वह उसे निरंतर नारायण नारायण कहकर पुकारा करे और इस तरह अपनी मृत्यु के समय सबसे भयावह तथा घातक स्थिति से बच सके। कृष्ण की कृपा ऐसी ही होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज,
गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मनुष्य को भक्ति का बीज मिलता है। यह संगति भक्त को बड़े से बड़े भय से बचाती है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्त का नाम ऐसे रूप में बदल देते हैं जो उसे विष्णु का स्मरण कराए। यदि भक्त अपनी मृत्यु के समय अपना ही नाम यथा कृष्णदास या गोविंददास का स्मरण कर सके तो वह महानतम संकट से बच सकता है। इसीलिए दीक्षा के समय नाम परिवर्तन अति आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना सतर्क है कि यह किसी न किसी रूप में कृष्ण का स्मरण करने का सुअवसर प्रदान करता है। अथापि मे दुर्भगस्य विबुध उत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन येन आत्मा मे प्रसीदति। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ, पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन चार महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। जय श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री नरसिंहदेव भगवान की। इन कुछ श्लोकों में अजामिल ने अपनी प्रायश्चित पश्चाताप व्यक्त कर रहा है। पहले शुद्ध था, बीच में अशुद्ध हो गया, फिर शुद्ध हो गया। तो अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध, फिर शुद्ध। यहाँ वो अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहा है अजामिल, कि कैसे उन चार महापुरुषों का केवल दर्शन करने मात्र से, विबुध उत्तम दर्शने यानी साधु संघ का प्रभाव, जो पहले इतना आसक्त था उस वेश्या के प्रति, और उसने क्या नहीं किए। सड़क पर चलते लोगों को लूट लेता था, मार देता था, अपहरण कर लेता, बहुत ऊंचे पैसा लेकर, बहुत उच्ची कीमत लेकर फिर उनको छोड़ता था। यहाँ तक कि वेश्या के साथ बैठकर शराब भी पीने लगा था, ब्राह्मण था पहले, यानी वेश्या के संग से उसका पहले जो सौभाग्य था वो दुर्भाग्य में बदल गया था, और फिर अभी उन चार महापुरुषों विष्णु दूतों के संग से फिर से उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। संग का बहुत प्रभाव है। ये धूल है, मिट्टी का संग, धूल जब पानी का संग करता है तो कीचड़ बन जाता है, और वही धूल खुशबूदार हवा का संग करता है तो उसके अंदर खुशबू आ जाती है। पानी यदि शुद्ध पानी है वर्षा का, यदि किसी सांप के मुख में गिर जाए वो जहर बन जाता है, और अमृत के कलश में गिर जाए तो अमृत बन जाता है। लेकिन दुर्भाग्य सौभाग्य में तभी बदलता है जब किसी के जीवन में किसी महापुरुष का प्रवेश होता है। और यहाँ अजामिल की चेतना में परिवर्तन आ गया, यानी कि साधु के प्रभाव से व्यक्ति के अंतःकरण में परिवर्तन होता है। बाहर तो होता ही है, लेकिन बाहर का परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है जितना अंदर का परिवर्तन। कभी कभी डर के कारण बाहर में परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन अंदर वही रहता है। अंतःकरण यानी कार्य करने वाला अंदर है, वो है मन। क्योंकि जब तक मन में परिवर्तन नहीं होता तो बाहर का परिवर्तन लंबे समय तक टिकता नहीं है। मैंने पिछले एक कभी क्लास में बताया था कि दो मित्र थे, और एक मित्र धनी था और एक गरीब था। कुछ समय के बाद गरीब मित्र जब मिला धनी मित्र से तो बहुत खुश हुए। अब धनी मित्र को कहीं जाना था किसी पार्टी में, तो उसने कहा कि तुम इस ड्रेस में जाओगे, मैं तुम्हें अपने वार्ड रूम से एक ड्रेस देता हूँ। जैसे उसने वो ड्रेस पहना वो ज़्यादा सुंदर दिखने लगा। एनी वे उसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी थी। अरे मेरा दोस्त मेरे ही कपड़े पहन के इतना सुंदर दिख रहा है,
अब जैसे ही वो गया उस कार्यक्रम में, सभी लोग उसकी ओर ही देखने लगे। लोगों ने कहा ये कौन है? बोले कौन है, मेरे मित्र हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, बड़े भले आदमी हैं। जब सभी लोग उनकी ओर ही देखने लगे तो उसने पूछा पर कपड़े मेरे हैं। क्योंकि अंतःकरण में एक बार जब जो भावना उठ गई थी तो व्यक्ति आज नहीं तो कल व्यक्त तो करेगा ही, लेकिन साधु के प्रभाव से दुर्भावना उठती ही नहीं है, और उठती भी है तो उसे बस में करने की एक क्षमता आ जाती है। फिर उस दोस्त ने क्षमा मांग ली कि ठीक है गलती हो गई, क्षमा करना, मैं रोक नहीं पाया, एक मित्र के घर और जाऊंगा। वो गरीब था, विनम्र था, कहा कोई बात नहीं। दूसरे घर में गया, वहां उसने प्रण किया था अभी कुछ नहीं बोलना है कपड़े के बारे में। लेकिन वहां भी वही घटना घटी, वहां भी लोगों ने देखा रही ये कौन है इतना प्रभावशाली व्यक्ति, बोला ये मेरे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब उससे सहा नहीं गया, बोला कि कपड़े भी इनके ही हैं। क्योंकि बोला मैं तो फंस गया, मैंने अपने ही कपड़े इनको देकर मैं बेचैन हो गया, कपड़े मेरे हैं और मेरी बेइज्जती हो रही है हर जगह, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। तो बाहर से लोग फ्रेंडशिप डे, पेरेंट्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे कितना कुछ मनाते हैं, और वही व्यक्ति जब उनके जीवन में आ जाए और जब उनसे कुछ ज़्यादा प्रभाव दिखाने लगे तो तुरंत उनका प्रेम तिरोहित हो जाता है, वो प्रेम ईर्ष्या घृणा में बदल जाता है, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं होता। लेकिन यहाँ अजामिल का हृदय परिवर्तित हो गया है अभी उन चार महापुरुषों का दर्शन करने से। और एक बार जब हृदय परिवर्तित हो जाता है तो फिर व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे इस भौतिक जगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक कथा है, एक बार एक राजा एक साधु से, साधु की प्रसन्नता को देखकर उससे मिलना चाहता था, तो उसने मंत्री को भेजा कि वो महात्मा जी जो झाड़ के नीचे रहते हैं उनको महल में लाया जाए। मंत्री पहुंचा, उस साधु ने कहा मैं जा सकता हूं लेकिन मेरे जाने का जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होगा, अच्छा यही होगा कि राजा स्वयं चलकर यहाँ आए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जा सकता, मैं जा सकता हूं लेकिन जो लाभ होना चाहिए राजा को लाभ नहीं हो पाएगा। मंत्री बुद्धिमान था, मंत्री समझ गया, उसने जाके राजा को कहा कि ठीक है महाशय, उसने कहा हमें ही जाना होगा। राजा गया और साधु का सम्मान किया, लेकिन देखा इतना विरक्त, ये पेड़ के नीचे रहते हैं, बहुत कम खाते हैं, बहुत कम सोते हैं, इतना विरक्त जीवन यापन करते हैं। राजा ने कहा नहीं नहीं आप यहाँ नहीं, आप हमारे घर चलिए, हमारे महल में आप रहिए। साधु तत्क्षण तैयार हो गया, बोला हाँ चल रही। जैसे ही साधु तैयार हुआ राजा ने सोचा कि भोगी तो नहीं है, एक बार भी मना नहीं किया। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी घर आइए, पर यदि तुरंत घर चलने के तैयार हो जाए तो कभी कभी लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। कभी कभी लोग बोल देते हैं घर आइए, लेकिन एक बार भी कभी उसके बाद फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, तो कभी कभी ऊपर से बोल देते हैं घर आइए। एनीवे वो राजा था, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं था, वो चल वहाँ गया। एक दिन, दो दिन, पाँच दिन, दस दिन बीत गए, अब राजा के मन में संशय होने लगा, वो संकालु हो गया, क्या मैंने इस साधु को घर में बुला के क्या किया, ये मेरे जैसे ठाट बाट वही मुलायम वस्त्र पे सो रहा है, वही भोज्य पदार्थ ले रहा है, मिष्ठान खा रहा है जो जिसका मैं भोग कर रहा हूँ, अब मैं कैसे बोलूँ कि आप यहाँ से जाएं, और ये जाने का नाम भी नहीं ले रहा, अभी कोई वैराग्य की कोई बात भी नहीं हो रही है। जब इस तरह कुछ समय बीतने लगा तो उसका जो संशय था वो निश्चय में बदल गया, उसने बोला मैं सही सोच रहा हूँ। लेकिन उससे रहा नहीं गया, क्योंकि अंतःकरण में भावना कितने समय तक रोक सकता है, उसने प्रकट कर दी, एक दिन कह दिया कि आप में और मुझ में क्या अंतर है। साधु ने कहा कल बताएंगे। कल सुबह की सैर पे निकले, चलने लगे राजा और साधु,
चलते 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 काफी दूर निकल गए। राजा ने कहा महात्मा अभी लौट चलते हैं महल की ओर। बोला नहीं थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे। इस तरह काफी दूर निकले, राजा थक गया। राजा ने कहा कि और कितना आगे जाएंगे, अब महल की ओर लौट चलें। बोला आप लौट चलें, मैं नहीं जाने वाला। बोला आप क्यों नहीं जाएंगे? बोला मैं पहले भी महल में खुश था, मैं झाड़ के नीचे भी खुश था और अभी भी मैं खुश हूँ। यद्यपि मैं आपके महल में रहता था पर महल मेरे भीतर नहीं था, इसलिए आज मेरी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है। और यद्यपि आप मेरे साथ हो लेकिन आप हमेशा आप अपने महल को अपने भीतर ढो रहे हो। और मैं लौट सकता हूँ लेकिन फिर से आपके मन में संशय आ जाएगा। लौटने को तो मैं यूं ही लौट जाऊं, अभी चलूं आपके साथ, लेकिन फिर आपके मन में जो संशय आएगा फिर उसे दूर करना कठिन होगा, इसलिए इस बार आप स्वयं अकेले ही लौट जाएं और मुझे आप जाने दें। यानी अंतःकरण में एक बार जब पूरी तरह से बदलाव आ जाता है तो फिर व्यक्ति चाहे झाड़ के नीचे रहे चाहे महल में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा बदलाव साधु की कृपा से ही होता है। तो अजामिल के हृदय में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वही अजामिल जिसने इतने पाप कर्मों में जो संलग्न था वो कह रहा है मैं अति निंदनीय हूं, मैं अभागा हूं, मैं पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूं, फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण इस साधुओं का दर्शन प्राप्त हुआ है। यानी साधुओं का दर्शन भी इतना सहज नहीं है, ये भी हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण या इस जीवन के कुछ पुण्य कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है। और साधुओं का दर्शन केवल उनका दर्शन करना ही नहीं बल्कि उनसे कुछ उपदेश ग्रहण करना। ऐसे तो दर्शन का लाभ होगा लेकिन मुख्य लाभ होगा जब हम उनसे कुछ श्रवण करते हैं। तो साधु के प्रभाव से भवितव्यम मंगलेन, मंगल मंगल शुभ शुभ उसके जीवन में घटित होने लगता है। तो साधुओं को भी ध्यान देना चाहिए कि साधु की कृपा से किसी के जीवन में शोक संताप कष्ट बढ़े ना। कभी कभी केवल पैसा 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 ही करते हैं कुछ साधु, तो व्यक्ति भी बहुत परेशान हो जाता है, आ गए चंदा लेने। जरूर ऐसा नहीं होना चाहिए। साधुओं को कभी कभी बिना किसी प्रयोजन के भी कभी कभी केवल उस व्यक्ति के हित के लिए भी जाना चाहिए। और वास्तविक हित है आत्महित, उसके आत्मा के कल्याण के लिए। तो साधुओं से मिलने के बाद लोगों के जीवन में पहले से ही लोगों के जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। और साधु से मिलने के बाद वही लोग यही अपेक्षा करते हैं कि मेरे दुख जीवन में जो दुख है वो कष्ट होगा, कष्ट कम होगा, दुख कष्ट कम होगा। लेकिन कभी कभी देखा जाता है लोग साधु से मिलते हैं उनका कष्ट और बढ़ जाता है। कारण क्या है इसका? अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी के कारण। जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह देते हैं पहली ही मुलाकात में, ये सब माया है, कहाँ नरक में डूबे हुए हो, घर बार छोड़ो। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को लेकर आते हैं मंदिर में तो माता पिता ध्यान रखते हैं बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कहीं साधु के गिरफ्त में तो नहीं जा रहे हैं। और गिरफ्त कहीं कोई साधु उनसे बात करने लगा तुरंत पहुंच जाते हैं, बोलते हैं प्रभु जी प्रभु जी अभी एग्जाम चल रहा है, अभी अगली बार इसको मिलवाऊंगा मैं आपसे। क्योंकि पता है एक बार साधु के प्रभाव में आ गए तो अंतःकरण परिवर्तित हो सकता है। जो व्यक्ति उत्तर से दक्षिण जा रहा था उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर घूम सकती है, या पूरब से जो पश्चिम की ओर जा रहा था वो पश्चिम से पूरब जा सकता है। हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु एक उदाहरण दे रहे थे कैसे जैसे रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी मानो पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है। अब इतनी बड़ी ट्रेन को यदि पश्चिम से पूरब की ओर चलाना है तो बहुत कठिन है, इतनी भारी ट्रेन है। लेकिन जो व्यक्ति कुशल है प्रशिक्षित है वो जानता है एक लीवर दबाने से कैसे गियर चेंज हो जाता है और इतनी भारी ट्रेन की दिशा बदल जाती है। यह है गुरु और साधु का कार्य। गुरु और साधु अपने आध्यात्मिक प्रभाव से
व्यक्ति के जीवन की दिशा को बदल देते हैं। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, किसी की जीवन दिशा यहाँ आने की नहीं थी, लेकिन सबकी जीवन दिशा बदल गई। कैसे? भक्तों के प्रभाव से। सबका कुछ ना कुछ जीवन में योजनाएं थी, कुछ बाहर जाना है, कुछ करना है, कुछ नाम यश प्रतिष्ठा, बहुत बड़ा पद अर्जित करना है, लेकिन सब धूमिल हो गया, सब धूल धूसरित हो गया। और अभी वास्तविक पद मिला है, भगवान के हम दास हैं और अभी वास्तविक धन की खोज में हम लगे हुए हैं। तो साधु अपने वास्तविक धन में हमें हिस्सेदार बनाता है, भागीदार बनाता है। साधु के पास जाएंगे तो भौतिक संसार का कुछ हमें मिलने वाला नहीं, मिल सकता है लेकिन वो उसका वास्तविक, उसकी कृपा नहीं है। तो साधु के पास जो अमूल्य धन है, भगवान के प्रति जो आसक्ति प्रेम रूपी जो धन है, उसमें वो हिस्सेदार बनाता है व्यक्तियों को। और जैसे ही कोई व्यक्ति उस अंश को प्राप्त करता है, उसके जीवन के सारे दुख शोक भय सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा हुआ है इतिहास में, हम देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े सम्राट हुए लेकिन भक्तों के प्रभाव से सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, और उन्हें जीवन में परम शांति प्राप्त की। वही बात यहाँ कह रहे हैं, ये न आत्मा में प्रसीदति, मेरा मैं दुर्भाग्यशाली था, साधु का दर्शन किया, सौभाग्यशाली बन गया, मेरे जीवन में शुभ शुभ घटित होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी आत्मा पूर्णतया प्रसन्न हो चुकी है और मुझे कोई कामना नहीं है। यह है टेस्ट। यदि सही रूप से हमने साधु की कृपा प्राप्त की है या की होगी, तो हमारा हृदय पूरी तरह से शीतल होना चाहिए। लेकिन भौतिक जगत की जो कामना वासना है, वो हृदय को शीतल नहीं रहने देती, हृदय में बहुत ज़्यादा जलन उत्पन्न करती है। जो तृष्णाएं हैं, जो वासनाएं हैं, व्यक्ति को शांत बैठने नहीं देती हैं। व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा शिकायत करता है, हमेशा दूसरों से प्रतिस्पर्धा करता है, और इन प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्ति दुखों में डूबा रहता है। यद्यपि बाहर धन का अंबार लग जाता है, बाहर सुख सुविधाओं का ढेर लग जाता है, पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर लेता है, पर हृदय से दुख दूर नहीं होता। सभी पुंसा परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता जेन आत्मा सुप्रसिद्धति। लगभग एक ही जैसा है, भगवान की भक्ति करने से ही आत्मा प्रसन्न होती है। यहाँ पर तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने कहा, भगवान की अपार दया कृपा, एक बार किसी ने भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया, थोड़ी सेवा की, भगवान कभी नहीं भूलते, और भगवान पूरे जीवन पर्यंत उस व्यक्ति को अंत प्रेरणा देते हैं, कैसे वो मेरे चरण कमलों के प्रति आकर्षित हो। हम सब भी जानते हैं कैसे कोई व्यक्ति यदि प्रारंभ में बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत सुंदर रहा, बहुत से कुछ सेवा थोड़ी बहुत भी कर दी, तो हम चाहते हैं कि नहीं वो व्यक्ति भक्त बन फिर से बन जाए, चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो। तो जब भक्त के हृदय में ऐसी भावना होती है, तो भगवान के हृदय में ऐसी भावना तो होनी ही चाहिए। प्रहलाद महाराज को एक बार हिरण्यकशिपु ने अपने गोद में बिठाया था, एक बार, और उसके बालों का से सहलाया था, सूंघा था उसके सर को, और थोड़ा स्नेह प्रदर्शित किया था थोड़े समय के लिए। उस स्नेह को प्रहलाद महाराज पूरे जीवन भूल नहीं पाए। जब भगवान नरसिंहदेव ने वर मांगने के लिए कहा, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के लिए वर मांगा, बोला कि ये मेरे पिताजी को आप मुक्त कर दीजिए। भगवान नरसिंहदेव ने कहा, पिताजी को पहले ही मुक्त कर चुका हूँ, तुम्हारे जैसा पुत्र जिस वंश में उत्पन्न होता है उसकी 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर देता हूँ, तुम्हारे एक पिता की क्या बात है। तो भगवान की कृपा सभी जीवों के ऊपर है, लेकिन विशेष रूप से मनुष्य जीवन में उस कृपा का हम पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं, और मनुष्यों में भी सभी मनुष्य उस कृपा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, केवल वे मनुष्य जिनके जीवन में साधु का प्रवेश होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो बीज प्राप्त हो गया, अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम बीज को प्रस्फुटित करना चाहते हैं या नहीं। कभी कभी बीज सोचे कि नहीं नहीं मुझे प्रस्फुटित नहीं होना है, तो क्या होगा, सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बीज को कभी कभी अपने को
गिराना होता है, मिट्टी के भीतर समर्पित होना होता है, उसे सूर्य की रोशनी पानी में गलना होता है, फूटना पड़ता है, टूटना होता है। ये टूटना बड़ा कष्टदायक होता है, लेकिन यदि वो टूट जाए तो भविष्य में वो अच्छा एक वृक्ष बन सकता है, ऐसा वृक्ष जो दूसरों को छाया प्रदान कर सकता है, दूसरों के जीवन में शीतलता प्रदान कर सकता है, और खुद उस वृक्ष में ऐसे कई अद्भुत फल लगेंगे, और उस एक एक फल के भीतर हिजोलेनस भक्ति चारु स्वामी गुरु कहते हैं एक एक फल के अंदर कितने सारे बीज होंगे, और फिर एक एक बीज में कितने सारे वृक्ष हो सकते हैं भविष्य में। तो सभी के हृदय में दो प्रकार के बीज हैं, शुभ कार्य के बीज और अशुभ कार्य के बीज। तो भक्तों के संग में रहने से, भक्ति के नियमों का अनुशीलन करने से शुभ कार्यों का बीज प्रस्फुटित होता है, शुभ शुभ भावनाएं उदित होती हैं, और इसमें लापरवाही करने से जो अशुभ भावनाएं हैं, अशुभ कार्यों के जो बीज हैं वो प्रस्फुटित हो जाती हैं, फिर वो ढक लेती हैं शुभ कार्यों को। तो बीज का मिलना भी सौभाग्य है, और बीज को वृक्ष और फल के रूप में परिणत करना ये साधक या भक्त की जिम्मेवारी है। बीज देने वाले ने बीज दे दिया। अजामिल जो जीवन के प्रारंभिक काल में जिसने भक्ति की थी, बहुत आज्ञाकारी था, बहुत सारे उसके गुणों का भी वर्णन किया गया है, सत्यवादी था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में पटु था, लगभग सभी गुण थे, सर्वगुण संपन्न था वो। तो ऐसे व्यक्ति का भी पतन हो गया, लेकिन सौभाग्य है उसका, क्योंकि उसने जो भक्ति की थी उसके प्रभाव से फिर से उसे महापुरुषों का दर्शन हुआ, और फिर से वो उसने अपनी चेतना को पुनः जागृत कर ली। तो चेतना को जागृत करना, शरीर तो ऐसे ही बढ़ जाता है हमारा, एक बैल का भी शरीर में वृद्धि होती है, डायमेंशन बढ़ता है उसका, कौन सी बड़ी बात है। और मनुष्य के भी शरीर में ही केवल वृद्धि हो, उसके मानसिक चेतना का विकास न हो, उसके बौद्धिक चेतना का विकास न हो, आध्यात्मिक चेतना का विकास न हो, तो फिर पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? अंतर यही है कि हम अपने मानसिक बौद्धिक और आध्यात्मिक चेतना का विकास कर सकते हैं, अन्यथा शरीर का विकास तो स्वभावतः होगा ही। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री नरसिंह देव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। और इस चेतना का विकास करने की क्षमता इस संसार में है नहीं, वो तो केवल भगवान के निकट आने से और भक्ति के नियमों का पालन करने से होता है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए चेतना का विकास, और चेतना का विकास कृष्ण कथा के श्रवण से बहुत आसानी से होता है। तो ये जन्माष्टमी का अवसर, शुभ महोत्सव आने वाला है, तभी हम कृष्ण कथा कुछ चर्चा करेंगे। कल इस ग्रेस अभयचरण प्रभु ने पूतना बद लीलापुरी की, उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक लीला घटी थी, छोटी सी घटना है, भगवान की औथानिक लीला, करवट बदलने की लीला। तो भगवान जब एक महीने के हुए तो एक महीने के बाद बच्चे करवट बदलते हैं। नंद महाराज, यशोदा मैया, ब्रज के सभी गोप गोपियाँ, उनको तो बहाना चाहिए कोई ना कोई उत्सव मनाने के लिए। अब करवट बदलने का उत्सव, तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, एक्चुअली भगवान जो प्रकट हुए थे उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, और अष्टमी का दिन था, अभी आने वाला है। तो इस औथानिक उत्सव को मनाने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, और यशोदा मैया ने अन्य गोपियों को बुलाया, कृष्ण को नहलाया, अभिषेक किया। अभिषेक जो जल था उसके अंदर बहुत सारे सुगंधित औषधियाँ मिलाई हुई थी, और इस प्रकार वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था, घर में बाजे बज रहे थे, स्त्रियाँ गीत गा रही थी, और ब्राह्मण वेद मंत्र पाठ कर रहे थे। स्वास्थ्य वाचन, स्वास्थ्य वाचन यानी कि अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए सारे जो किए जाते हैं कार्य, एक एक अंग को शुद्ध किया जाता है एक एक मंत्र का उच्चारण करके।
हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं सबसे बड़ा स्वास्थ्य वाचन है भगवान के नाम का जप करना। हो सकता है कोई वैदिक मंत्रों का उच्चारण क्या पता ही नहीं क्या उच्चारण करे, किस अंग को शुद्ध करे और किस अंग की रक्षा के लिए कौन से देवता, कौन भगवान विष्णु के कौन से अवतार उत्तरदायी हैं। यदि पता नहीं भी हो तो किसी भी विशेष उत्सव में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य वाचन है। तो ऐसा किया, ब्राह्मणों को खूब खिलाया गया, गायें दान में दी गई, माँ यशोदा कृष्ण को गोद में ली हुई थी। अब घर में उत्सव चल रहा है तो कितने समय गोद में लेकर रख सकती हैं, बहुत सारी स्त्रियाँ आई हैं तो उनको अटेंड करना है, खिलाना पिलाना है, हालचाल पूछना है, तो उन्होंने अपने गोद से उठाकर कृष्ण को पालने में रख दिया। और पालने को एक बहुत बड़ा वहाँ पे नहीं सकटासुर यही था ना, वहाँ पे एक गाड़ी थी, उस गाड़ी के ऊपर दूध दही मक्खन और भी बहुत सारे पकवान मिष्ठान रखे हुए थे, तो उस गाड़ी के नीचे उनको सरका दिया कि कृष्ण यहाँ रहेंगे ताकि मैं अभी फ्री होकर जो भी अतिथि आए हैं उनका आवभगत कर सकूं, सेवा कर सकूं। तो कृष्ण को अंदर कर दिया और व्यस्त हो गई घर के कार्यों में, और बच्चों को बोल दिया कि देखते रहना बच्चा यहाँ पे, एक महीने का ही बच्चा है अभी। कृष्ण को जैसे ही अंदर रख के अंदर प्रवेश किया, कृष्ण ने रोना शुरू किया। तो आचार्यगण कहते हैं कि रोने का कारण क्या है? कुछ टीकाकार कहते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों को भूख लगती है तो रोते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे रोने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान के मन में ये आया कि मैं बैकुंठ छोड़कर यहाँ आया, इतना बड़ा घर है और मेरे लिए यह जगह मिली, गाड़ी बैलगाड़ी के नीचे। तो उन्होंने अपना ध्यान, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों का बल माना जाता है रोना, तो रोने से माँ यशोदा और अन्य गोपियां दौड़कर आई वहां पर। लेकिन उसके पहले घटना घटी, बच्चे जब रोते हैं सोते सोते तो अपना पैर चलाते हैं, तो पैर उन्होंने ऐसे मारा गाड़ी के ऊपर, वो गाड़ी धड़ाम करके उलट गया, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, बच्चा जैसे मुस्कुरा रहा था वैसे ही मुस्कुरा रहा है। सभी लोग आए देखे, अरे बिल्कुल ना आधी आया ना तूफान आया, बिल्कुल ज़मीन भी समतल है, आखिर ये गाड़ी उल्टा तो उल्टा कैसे। लेकिन लोगों को पता नहीं कि उस बैलगाड़ी के ऊपर एक असुर आकर बैठ गया था, उसका नाम था सकटासुर। एक आचार्य कहते हैं गाड़ी क्यों पलट दिया कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण ने सोचा कि मैं तो सबसे ऊपर हूँ, ये मेरे ऊपर कौन है, इसको मारो इसको गिराओ। तो कृष्ण ने उसके पैर मारा तो सकट पलट गया। तो माँ यशोदा ने सोचा कि कोई ग्रह ने किसने उलट दिया, कौन असुर आ गया यहाँ पर, अकस्मात ऐसी घटना क्यों घट गई। रखवाली कर रहे थे बच्चे, बच्चों ने पहले कुछ बताया भी नहीं, उन्होंने पूछा बच्चों से कि बच्चे ये क्यों, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर और कैसे पलट गया गाड़ी। बोला कृष्ण ने पैर मारा उलट गया गाड़ी। बोला अच्छा तुम लोग अभी से कहानी बनाने लगे, ये इतना छोटा बच्चा है, इतनी बड़ी गाड़ी है, ये इसमें पैर लगने से इतनी बड़ी गाड़ी उलट गई। तो उनको डांट कर उनको चुप कराया यशोदा मैया और अन्य गोपियों ने, फिर से बच्चे को उठाया, कल जैसा बता रहे थे गाय के खुर से एकत्रित धूल से गोमूत्र से गाय के गोबर से फिर से उनको शुद्ध किया गया जो परम शुद्ध है। क्योंकि ये है माँ का स्नेह प्रेम, वो बच्चे को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानती हैं, अपना लाला ही मानती हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मण फिर आशीर्वाद देने लगे, कहने लगे बच्चा चिरंजीवी रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह परम सुखी रहेगा। फिर कुछ बिना टूटा हुआ चावल अक्षत कहते हैं वो लाया गया, उससे चावल से पूजा की गई। तो उस मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम दसवां स्कंद के सातवें अध्याय में दी है ये लीला, तो उसमें लिखा है कि किन ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो कुछ योग्यताएं दी गई हैं, 6 योग्यताएं हैं उन ब्राह्मणों में, जिन ब्राह्मणों में ये योग्यताएं होती हैं उनका दिया गया आशीर्वाद ही फलीभूत होता है। पहली योग्यता है जो गुणों में दोष नहीं निकालते, जे असुईया, पहला असुईया, अनिर्त दंभ, जो दंभ नहीं रखते,
उद्दम्भ यानी कि दिखावा नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते, तीन मिल गया, जो दूसरों में दोष नहीं निकालते, जो दम्भ नहीं रखते, जो झूठ नहीं बोलते, ईर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता, जो किसी से हिंसा नहीं करते, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते और किसी से मान की आशा नहीं करते हैं, ये छह गुण हैं। यदि किसी ब्राह्मण में हो तो उसका दिया गया आशीर्वाद अवश्य फलीभूत होता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, पहला जो किसी अन्य में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम्भ नहीं रखते, ईर्ष्या नहीं करते, हिंसा नहीं करते और मान शून्यता, किसी से मान की आशा नहीं करते, तो ऐसे गुण से संपन्न ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। इस प्रकार ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, कीर्तन, स्त्रियां गीत गाने लगी, फिर से बच्चे को लेकर माँ यशोदा दूध पिलाने लगी ताकि देखने के लिए कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। यदि बच्चा दूध पी रहा है यानी कि बच्चा स्वस्थ है, कुछ हुआ नहीं इसको। लेकिन अभी कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मणों का भी ह्रास हुआ है और सभी का ह्रास हुआ है। तो इस घटना से हमें सीखना चाहिए कि माँ यशोदा और नंद बाबा ने कैसे अपने बच्चे को सुखी रखने के लिए ब्राह्मणों की सेवा की, तो हमें भी ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद एक घटना घटी, तृणावर्त लीला। ऐसे माँ यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर लालन पालन कर रही थी, लालन यानी कि चुम्बन करना, ऐसे बच्चे को सहलाना, गोद में खिलाना, ऊपर फेंकना क्या कहते उसको, उत्तोलन करना, और पालन यानी कि दूध पिलाना और अन्य कार्य करना। तो लालन और पालन कर रही थी गोद में, अचानक माँ यशोदा को भारी लगने लगा कृष्ण। बच्चा क्यों भारी लगने लगा, कुछ समझ में नहीं आया माँ यशोदा को, घर में बहुत सारे कार्य हैं, तुरंत उन्होंने घर से बाहर रख दिया। अब इतना भारी बच्चा को रख नहीं, सहन नहीं कर पा रही थी और घर में चली गई अन्य कार्य करने के लिए, पर उन्हें पता नहीं कि अभी एक बहुत बड़ा असुर आने वाला है और अभी उसके उद्धार करना है। इससे पता चलता है कि भगवान के कार्य कितने दिव्य हैं। क्या कोई भी व्यक्ति अपना वजन बढ़ा सकता है इस प्रकार से? नहीं बढ़ा सकता है। हाँ, कुछ असुर बढ़ा पाते हैं लेकिन उनका उनकी वास्तविकता रिवील हो जाती है, प्रकट हो जाती है। उसी समय एक असुर आया, कंस ने भेजा था, कंस का ही भेजा हुआ था, और चक्रवात के रूप में आया, धूल लेकर उड़ाने लगा, और उस धूल में रेत के कण, बालू के कण और कुछ पत्थर के टुकड़ों की वर्षा होने लगी, सभी की आंखों में धूल भर गया और बहुत तेज हवाएं चलने लगी। सबने अनुभव किया है, गांव में गर्मी के दिनों में होता है चक्रवात। अब माँ यशोदा का स्मरण हुआ कि अरे कृष्ण को मैंने वहां रखा है, लेकिन कुछ धूल धुआं के कारण कुछ दिख ही नहीं रहा है, सभी लोग अपने अपने घर में भाग गए। अब बेचैन हो गई माँ यशोदा, वो कृष्ण को खोजने लगी, अन्य गोपियां भी खोजने लगी, लेकिन कृष्ण ने दिखाई नहीं दिए जहां वो रख के गई थी, और ज्यादा गिरने लगी। कभी कभी हम भी चलते हैं किसी की खोज में, यदि बहुत आसक्त हो तो हम चल भी नहीं पाते हैं, 10 कदम चलने में 4 बार गिरते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति हो गई थी माँ यशोदा की, अन्य गोपियों की, क्योंकि सभी गोपियां कृष्ण से अत्यधिक स्नेह करती थी। तभी किसी को दिखा कि तो ऊपर लेकर उड़ रहा है एक असुर कृष्ण को, और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा आराम से उसके गर्दन को पकड़े हुए हैं, और ये असुर लेकर बहुत ऊपर उड़ने लगा और कृष्ण ने अपने शरीर को हिमालय पर्वत के समान भारी करने लगे। इसने कहा मैं तो बहुत लोगों को लेकर उड़ा, आज तक इतना भारी तो कोई नहीं हुआ, इतने लोगों को मैंने उड़ाया है, लेकिन ये कुछ अलग अद्भुत बालक है ये। अब भगवान ने अपने भार को इतना बढ़ाया कि वो बेचैन हो गया, परेशान हो गया और तृणावर्त नीचे की ओर गिरने लगा। उसी समय कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से गर्दन को भी दबाने लगे, उसकी गला अवरुद्ध हो गया, सांसें रुक गई और गिरा, एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े पर गिरा और वहीं ढेर हो गया, उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए। दौड़कर गोपियां वहां पहुंची, बच्चे को उठाया, देखा बच्चा स्वस्थ है, क्या घटना घट रही है।
सब यही सोच रहे हैं कि हम लोगों के जो पुण्य कर्म है उसके कारण कृष्ण की रक्षा हुई है, हम लोग पूजा का पाठ जो कर रहे हैं सही चल रही है, विष्णु की बड़ी कृपा है हम पर, देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं। सब यही करने लिखो, बच्चा को तो कुछ नहीं है, हम तो इतने पुण्यवान हैं कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये आया था असुर, देखो ये इसको किसने मारा, किसी ने नहीं मारा, ये अपने पाप कर्मों के कारण ही खुद मर गया। सब यही करते, इसको किसी ने मारा नहीं है, कृष्ण इतना छोटा बालक है कैसे मार सकता है, ये तो अपने ही पाप कर्मों के कारण ऊपर से गिरा और चट्टान पे गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार जो दो घटनाएं घटी, तीन घटनाएं घटी, पुतना वध, शक्टासुर का उद्धार और अभी तृणावर्त का उद्धार, तो नंद बाबा के मन में वसुदेव जी के प्रति बड़ी श्रद्धा बढ़ गई, क्योंकि वसुदेव जी ने वहां पे भविष्यवाणी की थी मथुरा में कि आप तुरंत गोकुल लौट जाएं, क्योंकि कुछ यहाँ अपशकुन होने वाला है, कुछ अशुभ घटनाएं घटने वाली हैं, और यहाँ आकर वो देखे हाँ यही घटनाएं घट रही हैं। तो नंद बाबा वसुदेव जी के प्रति अत्यंत श्रद्धालु हुए और उनकी सारी बातें मानने लगे, और कभी कभी बीच बीच में जाकर विचार विमर्श भी करते थे कि और कृष्ण के बारे में उसकी सुरक्षा के लिए और क्या करना चाहिए। एक और छोटी सी लीला वर्णन करते हैं, भगवान कृष्ण ने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखाया, बच्चे दूध पीते हैं, माँ जसोदा गोद में ली थी और अदानक जम्हाई आने लगा। एक्चुअली भगवान बताना चाहते थे कि मैं क्यों इतना भारी लगा था, क्योंकि मेरे अंदर ही सब कुछ है। तो ऐसे कृष्ण को उबासी आ रही थी और अचानक उन्होंने जब अपना मुख खोला तो उस मुख में माँ यशोदा ने क्या देखा, सारे ग्रह नक्षत्र पूरे ब्रह्मांड, यहाँ तक कि स्वयं को भी देख रही है, चर अचर सभी वस्तुएं दिख रही हैं। माँ यशोदा को, मैं क्या भ्रमित हो गई हूँ, क्या मेरी बुद्धि का नाश हो चुका है, ये क्या देख रही हूँ मैं अपने बच्चे के मुख में, ये मैं स्वप्न देख रही हूँ ऐसा लगा। तो उन्होंने डर के मारे अपनी आँखें मूंद ली। भगवान ने भी अपने लीला को स्मरण किया और उन्होंने सोचा कि माँ बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई है और डराना ठीक नहीं है, और फिर थोड़े समय के बाद देखा हाँ ये तो कृष्ण का मुख उतना ही छोटा है और इतने छोटे मुख में मेरे इतना पूरा ब्रह्मांड कैसे आ सकता है, जरूर मेरा भ्रम था, वो मैं सपना देख रही थी। इस प्रकार फिर से कृष्ण को गोद में लेकर चुम्बन करने लगी और फिर से लालन करने लगी। तो ये ब्रज में इस प्रकार की लीलाएं घटित हो रही थी और सभी भक्तों को भगवान आनंद में डुबा रहे थे। तो अजामिल यहाँ पे अपनी व्यथा व्यतीत किया कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं निंदनीय हूँ, मैं अभागा हूँ, मैं दुखों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, लेकिन इन चतुष ये चार महापुरुषों के दर्शन से मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है और मैं आज आह्लादित हो गया हूँ, आज मैं आनंदित हूँ। उसी प्रकार यदि हम भी अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करें और जो हमारे जीवन में जो सौभाग्य की घड़ियां आई हैं यदि हम उन्हें गिने तो हम भी परम आह्लादित प्रमुदित हो सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई मंतव्य हो, कुछ टीका टिप्पणी करना चाहते हो या कोई जिज्ञासा हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।